सलमान है क्या तू? सलमान नहीं है ना? यस। पूरा नाम बोल। हाँ पूरा ही। हट कर रहे हैं। मार ना कर। हट कर। मार ना कर। बैठ के लिए मांग रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो पूरी वीडियो स्क्रीन पर चलाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मामला थोड़ा बता देता हूं ताकि वीडियो देखने में मज़ा आएगा। एक हिंदू मुस्लिम बनकर टोपी लगाकर लंगड़ा लुल्हा बनकर नाटक करके हाथ अंदर छुपाकर मुसलमानों से भीख मांग रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़े जाते हैं, मुसलमान घेर लेते हैं और बरसों का गुस्सा निकाल देते हैं, यानी बरसों का बदला उस हिंदू से ले लेते हैं। मामला ये है, राजस्थान के बिरजू नाम के ये हिंदू हैं, मुस्लिम बनकर लंगड़ा लुल्हा बनकर किस तरह भीख मांग रहे थे। शायद बिरजू को, इस हिंदू को पता था कि मुस्लिम लोग सरकार को टैक्स देने के साथ साथ ज़कात भी देते हैं, जो टैक्स की तरह है, इस्लामी कानून में सदका देते हैं, यानी मुसलमान बहुत ज़्यादा दान करते हैं। तो यही सोचते हुए शायद वो गए होंगे, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर घुसे होंगे टोपी लगाकर नाटक करके, लेकिन बदकिस्मती से पकड़े जाते हैं। उसके बाद किस तरह मुसलमान किस तरह बदला लेते हैं आप लोग जानते होंगे। कहीं पर अगर कोई मुसलमान जाता है हिंदू के बस्ती जहां पर नकली हिंदू रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस मुस्लिम को सताना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि उनका माल भी लूट लिया गया है और इल्ज़ाम लगा दिया गया है लव जिहाद का, और उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है। लेकिन आज जो आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं, एक हिंदू के साथ उसी तरह हो गया है। एक हिंदू गया था मांगने, पकड़े गए, मुसलमानों ने किस तरह बदला लिया, आप सबसे पहले स्क्रीन पर वो वीडियो देखिए। तू मुसलमान है क्या रे? मुसलमान है क्या तू? मुसलमान नहीं है ना? क्या नाम है तेरा? नाम बोल रहे? क्या नाम? क्या नाम तेरा? बिरजू। पूरा नाम बोल। हाँ पूरा ही। पूरा नाम क्या? पूरा। कहाँ का है तू? मैं? हाँ मैं राजस्थान। राजस्थान का? ये तू कर रहा है? आता है शर्ट डोचे। हट कर रहे? मार ना कर। हट कर। मार ना कर। पेट के लिए मांग रहा हूँ। पेट के लिए मांग रहा है? सिर पे टोपी लॉकडाउन लग गया भैया, इसलिए तेरे को 500,000 चाहिए, मैं देता हूँ। बात वो नहीं, किसी कौम को बदनाम मत कर, किसी मुसलमान को बदनाम मत कर, किसी हिंदू को बदनाम मत कर, ठीक है मेरे भाई? सभी यहाँ पर ना, ये देश सभी का है, ये मुसलमानों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। तू मुसलमान की टोपी पहन के मुसलमानों को धोखा दे रहा है, हिंदू का तिलक लगाकर हिंदू को धोखा दे रहा है। दोस्तों वीडियो आपने देख ली, आप लोग सोचे होंगे कि मुसलमानों ने तो इनके हाथ मरोड़ दिए होंगे और सच में लंगड़ा लुल्हा बना दिए होंगे, लेकिन देखिए मुसलमानों का बदला लेने का स्टाइल अंदाज यही है, क्योंकि इस्लाम की तालीम है समझा दो, हुस्न सलूक करो। मुसलमानों ने समझाया कि ये तुम्हारा देश हमारा देश है, मुसलमानों के गलियों में घुसने से पहले मुस्लिम बनने की ज़रूरत नहीं है, आओ अगर ज़रूरत है तो मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह नाटक मत करो। हाथ अंदर छुपा कर लंगड़ा लुल्हा बनकर वो मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ, अगर ये मुस्लिम सच में मुस्लिम होता और हिंदू बनकर हिंदुओं के गलियों में अगर घुस गया होता जहां पर नकली हिंदू रहते हैं, तो इनकी हालत क्या हो जाती? आप लोग देखे होंगे, मैं कई वीडियो फोटो तस्वीरें दिखा सकता हूं कि कोई भी मुसलमान अगर नकली हिंदुओं के गलियों में अगर घुसा है, चाहे भीख मांगने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, उनके माल को लूट लिया गया है और ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि हमारी बेटी को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, यानी लव जिहाद कर रहा था। दोस्तों ये वायरल वीडियो देखने के बाद कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, आप भी कमेंट कीजिए, मुसलमानों ने जो बदला लिया, समझाया सही किया या गलत किया, कमेंट करके बताइए, राय दीजिए। और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, फेसबुक पर जो देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।